सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और दबाएं इस बेल को मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, आ गया हूं मैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं निकॉन का D5500 और कैनन का 750D। ये दोनों कैमरे 2015 में रिलीज हुए थे और आगे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कौन सा कैमरा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी कैमरा मार्केट में लेने जाते हैं तो। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको पता चल गया है कि जो निकॉन D5500 है ये स्कोर करता है 7 out of 8, कैनन का 750D स्कोर करता है 5 out of 8। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा आप लोगों को अपने लिए लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ कैनन लवर हैं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरा इन दोनों में से चुनना है तो वो है D5500। बाकी सब आपके अपने ऊपर बात है, आपका बजट क्या करता है। लेकिन बजट की जैसे बात करूँ तो बजट भी ऑलमोस्ट ये कैमरे सेम प्राइस में ही है। हालांकि ये दोनों कैमरे 2015 में मार्केट में आए थे, लेकिन फिर भी 750D मतलब मार्केट कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा इसका। तो मेरी जानकारी के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा आपको कि अगर आप D55 लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ ऐसी कुछ ना कुछ वीडियो जो किसी न किसी के काम जरूर आते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। सी यू अगेन।